दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइज, हम दोनों आज आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज पे, जो कि गाइज झूसी और प्रयागराज को कनेक्ट करता है। तो इस समय जो प्रयागराज का ये जो शास्त्री ब्रिज है, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि यहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी गुजरात में हुआ, फिर उससे जस्ट पहले बंगाल में हुआ था, तब हमें हमारे इलाहाबाद में भी ये हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम आपको पुल दिखाते हैं, काफी जर्जर हो चुका है। एक तरफ रास्ता बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ से सारा लोड दिया गया है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्रिज पहले, और आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे कि भाई क्या है, क्या है, कैसे है ये। दादू, आप इधर से देख रहे होंगे, आपको नौलखा मंदिर दिख रहा होगा। ये हमारा संगम एरिया है पूरा इधर वाला। और इधर से फिर ये जो पुल है, ये जाता है हमारा झूसी की तरफ। और इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, इधर एक टेम्परेरी ब्रिज बना रहे हैं। टेम्परेरी ब्रिज है या ये कौन सा, मतलब हमेशा के लिए परमानेंट बना रहे हैं या टेम्परेरी बना रहे हैं, उसका तो नहीं पता है, बट ये बनाया जा रहा है, देख रहे हैं ये। और उसी के जस्ट सामने ये हमारा वो ट्रेन वाला जो है ब्रिज, वो तो है ही, वो बहुत पुराना है। और यार एक चीज़ है कि उमर भाई, कि आप ये बताएं कि इतने सारे ब्रिज जो पुराने ब्रिज बने हैं, आज तक वो डैमेज नहीं हुए, और जो नए इंजीनियर्स बना रहे हैं, नए लोग बना रहे हैं, कैसे डैमेज हो रहा है, क्यों? मतलब मेरा मानना है कि जो पहले का कंस्ट्रक्शन होता था, कंस्ट्रक्शन वाला वर्क, वो काफ़ी बेस्ट होता था यार। लेकिन आज के समय करप्शन बहुत ज़्यादा है। देश आज़ाद 1947 में हुआ था, तब से अगर करप्शन देखा जाए देश में, तो अगर करप्शन अगर हटा दिया जाए, देश सोने की चिड़िया हमारी बन चुकी होती। लेकिन देश के इन भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट इंजीनियरों ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने देश को मतलब बर्बाद कर रख दिया है। और ये देख लीजिए, यह कंडीशन है हमारे पुल का। तो भाई साहब, मतलब एक तरफ ये पुल अभी चालू है, मतलब एक साइड से ही चालू है, इधर सिर्फ और सिर्फ साइकिल और जो है बाइक वाले ही जा रहे हैं इधर से, बाकी जो लोडेड गाड़ियां हैं, जैसे हमारी टैक्सी, ऑटो, ये सब चीज़ें हैं, वो उस साइड से ही जा रही हैं। आप देखो, लगातार देखते रहो ये चीज़, क्योंकि उधर आप देख रहे हो कि ये बसेस जा रही है उधर से, गाड़ियाँ सारी उधर, सिर्फ इधर से जो जा रही हैं वो हैं बाइक्स और साइकिल हैं, जो का जिनका बहुत कम लोड है, सिर्फ वही जा रही है, और बाकी कोई भी इधर से वाहन नहीं जा रहे हैं। आप ये कंडीशन देखिए ये ब्रिज की, अगर ये गलती, थोड़ी सी भी कोई गलती करता है, ये देखिए पूरा एकदम डैमेज है। और पानी का बहाव आप देखिए, ये पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है। और मेरे ख्याल से जो गुजरात में भी हादसा हुआ है, वो ओवर शायद ब्रिज था, वो कमज़ोर ब्रिज था और वो टूटा और लोग पानी में गए। तो यार पानी उमर गए तो काफ़ी लोगों का मतलब डेथ भी हुआ, काफ़ी लोग मारे गए थे। देखिए ये पूरा, मतलब भाई इतना ज़्यादा डैमेज है ये ब्रिज, मतलब बहुत कमज़ोर है, इतना ज़्यादा कमज़ोर है क्या ही बताऊँ। देखिए पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है, और इसको ये देखिए, ये होल है, मतलब पुल के अंदर होल है इसका, क्या हम क्या समझे इसको, क्या हो रहा है भाई, बता नहीं। देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, देश के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। और देश के का नागरिक देश का भविष्य होता है, और इससे हमारे देश ही नहीं, पूरे विदेश में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे देश की बदनामी होती है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि ये वीडियो से मतलब लोग अवेयर हों, जागरूक हों, और ये काम बंद हो। भाई मैं चाहूँगा जल्द से जल्द इस ब्रिज को मेंटेन किया जाए, इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, क्योंकि कोई घटना ना हो। मैं भगवान से तो भाई यही चाहूँगा, प्रे करना चाहूँगा कि भाई ये सब कोई भी यहाँ पे घटना ना हो, और इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इधर टेम्परेरी ब्रिज बन रहा है, और आप बगल में देख रहे हैं यहाँ पे शमशान घाट भी है दोस्तों। तो मैं नहीं चाहूँगा यहाँ तक कोई पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि यार मुझे बहुत देख के, बहुत ज़्यादा देख के ख़राब लग रहा है कि यार ये स्थिति जो है यहाँ की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों अगर गुजरात के अंदर ये हादसा नहीं हुआ होता, तो शायद ये रास्ता बंद नहीं किया जाता। गुजरात के हादसे के बाद ये रास्ता बंद किया गया है। और ऐसे यहाँ का नहीं, मिर्ज़ापुर का हो शास्त्री ब्रिज हो, यहाँ का शास्त्री ब्रिज हो, मतलब चाहे जहाँ का देख लिया जाए, ब्रिज है, सारे के सारे कंडीशन काफी डाउन हो चुका है, काफी जर्जर हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप छोड़ दें, आप यहाँ आप शास्त्री ब्रिज देख रहे हैं, आप नया पुल चले जाए एक साइड से, वहाँ पे बहुत दिनों से डैमेज है, और वो पता नहीं क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है, क्या रीज़न आ रहा है वहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ। और इतनी लोडेड गाड़ियाँ जाती हैं कि भाई क्या ही बोले। तो वहाँ पे भी बहुत दिनों से डैमेज है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैं अब देख रहा हूँ 5-6 महीने से वो डैमेज है। और कभी भी हादसा हो सकता है, तो हादसा होने से पहले हमें बचना होगा यार, हमें अपने आप को, मतलब अपने सरकार को चेताना होगा, अपने लोगों को अवेयर करना होगा। और दोस्तों ये सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कौन कर सकती है, हम ही आप कर सकते हैं। और
यार तभी ठीक होगा, ये जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। और यार मैं नहीं चाहता किसी के साथ, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो। भाई एक इंसान पूरे फैमिली का जिम्मेदार होता है, पूरी फैमिली चलाता है, तो समझ सकते हैं एक इंसान की अहमियत क्या होती है।